अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएस ऑटो शॉप से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं टोयोटा इंडस के बारे में। तो इसका जो है कंप्रेसर ख़राब है, हमने इसका कंप्रेसर रिप्लेस करना है और आज आपको इसके बारे में बताएंगे। काफ़ी दोस्तों के कहने के बाद अब जो है हम इंडस की वीडियो ला रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, ये इसका कंप्रेसर जो है आवाज़ कर रहा है और आवाज़ के साथ साथ जो है खड़ी गाड़ी में कूलिंग नहीं कर रहा और ये हीटअप हो रहा है कंप्रेसर, ठीक है। और उसके बाद जो है देखें, ये अब ये जो मीटर है, मीटर में शो कर रहा है कि ये कंप्रेसर जो है कमज़ोर है। और इस मीटर का काम ये होता है कि कंप्रेसर की रीडिंग बताना और एफिशिएंसी बताना उसकी, कि ये इसमें कितनी जान है कितनी नहीं है, ठीक है। अभी अगर ये सही होता तो ये 40 से नीचे होता और ये इस टाइम पे गाड़ी के RPM भी जो है ना 1200 से ऊपर हैं, तो तब भी ये 40 से ऊपर है, ठीक है। अब हमारा कंडेंसर तो सही है और हमारा फ़ैन मोटर भी सही है, तो हम इसकी सर्विस करेंगे क्योंकि इस कंप्रेसर ने अभी तक कार्बन नहीं बनाया है और हम इसको ये इसी को सर्विस करके और यही कंडेंसर लगाएंगे, ठीक है। और ये फ़ैन जो है हमारा, फ़ैन हमारा जो है यही रहेगा। और उसके बाद जो है अब आपको हम अंदर का दिखाते हैं कि अंदर हमने और क्या क्या काम करना है इस गाड़ी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने इसका अंदर चेक किया कि इसकी जो हवा है वो प्रेशर से हवा नहीं आ रही, ठीक है। और इसके नीचे जो है पाँव में जो है हवा लीक हो रही है, डैशबोर्ड के ऊपर भी हवा लीक हो रही है, प्रेशर से हवा जो है वो नहीं आ रही क्योंकि पूरे डैशबोर्ड में जो है हवा वो लीक हो रही है, ठीक है। और इसका जो हीटर बॉक्स है, इसके हीटर बॉक्स की जो है हम उसकी फॉर्मिंग भी करेंगे। और देखें, अभी इसकी कूलिंग जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। देखें, कूलिंग समझें कि ना होने के बराबर है खड़ी गाड़ी में। रनिंग में फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता है लेकिन खड़ी गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ये देखें, अब ये टेम्परेचर बता रहा है, ये हमारा AC ऑफ हो गया। अब ये देखें, ये टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो गया फ़ौरन क्योंकि कूलिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। अब इसका जो हम हीटर बॉक्स निकालेंगे, उसकी फॉर्मिंग करेंगे, फॉर्मिंग करने के बाद फिर कंप्रेसर चेंज करेंगे, तो उसके बाद आपको इसका रिजल्ट बताएंगे कि बेहतरीन AC इंशाल्लाह काम करेगा। अभी देखिए, नीचे हवा लीक हो रही है इसकी, ठीक है, और ऊपर विंड स्क्रीन पे भी हवा लीक हो रही है, तो इसकी वजह से प्रेशर हमारा कम हो रहा है थ्रो का। जिसको कूलिंग चाहिए तो वो हीटर बॉक्स जो है ना वो लाजमी इसका चेक कराएं। इंडस का जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ उनके हीटर लाजमी चेक होने चाहिए, ठीक है, कि आपकी गाड़ी की कूलिंग और उसकी थ्रो में इजाफा हो सके। तो ये देखिए, अभी हमारी ये जो डके हैं ये भी ऐसी सही काम नहीं कर रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको भी सही करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा AC जो है बेहतरीन काम हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से, अभी हमने जो है इसका सामान निकाल लिया है, कंप्रेसर भी खोल लिया है। अब ये देखें, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ था और ये कंप्रेसर हमने खोल दिया है और ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर लगाना है दूसरा कंप्रेसर, तो वो ब्रैकेट उसके हिसाब से होगा, उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से होगा, तो वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये देखें, अब सबसे पहले जो है हमने इसका कूलिंग कॉइल और हीटर बॉक्स भी बाहर निकाल दिया है, और ये देखें हीटर बॉक्स और कूलिंग बॉक्स वो भी हमने बाहर निकाल दिया है। और अगर हम वो नहीं निकालते, खाली कंप्रेसर चेंज करते, तो वो कूलिंग का मज़ा नहीं आता, वो थ्रो नहीं आती, वो चुभन नहीं आती जो इसके इंडस के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ये जो है हमने इसका कंडेंसर निकाल दिया है और ये कंडीशन देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडस का ओरिजिनल कंडेंसर की जो रिज़ल्ट होता है ना वो चाइना के अंदर नहीं होता, इसमें चाइना में भी आया है लेकिन सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट जो है ओरिजिनल का ही होता है, ज़बरदस्त AC काम करता है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी रेडिएटर जो है इसका, रेडिएटर भी साफ़ है, इन्होंने अभी सर्विस कराया था और हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। उसके बाद जो है अब ये देखें, ये इसका कंप्रेसर है जो इसमें लगा हुआ था, डेंसो कंपनी का, हम इसको भीड़ वाला कहते हैं। और ये कंप्रेसर जो है थोड़ा सा नाजुक होता है, अगर आपकी किसी गाड़ी में लगा हुआ है तो आपने इसके अंदर गैस अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। अगर आप सर्विस के लिए खोलें तो इसमें ऑयल आपने ओरिजिनल डालना है, NDAT का ओरिजिनल ऑयल डालना है, तब जाके ये आपका कंप्रेसर सही से काम करेगा। अगर आपने कोई और दूसरा लोकल ऑयल डाल दिया तो कंप्रेसर आपका सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको हम इसको हीटर बॉक्स के बारे में बताते हैं। अब देखें, ये इसका हीटर बॉक्स है जो हमने इसमें निकाला है, इसकी फॉर्मिंग गली हुई है और ये फॉर्मिंग गली होने की वजह से जो है इसका थ्रो ऊपर नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इसकी हम फॉर्मिंग करेंगे और खोल के आपको दिखाते हैं कि इसके हीटर बॉक्स की कंडीशन कैसी है और किन डकों पे फॉर्मिंग की जाती है और किन पे नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हमारी हवा जो है वो ऊपर नीचे लीक होती है, ठीक है।
और जब तक इसके हीटर की फॉर्मिंग नहीं होगी, जिसकी फॉर्मिंग गली होगी, एसी का रिजल्ट कभी नहीं आएगा। चाहे आप जितने भी पैसे लगा लें, जितने भी कम पैसा चेंज कर लें, जितनी भी कॉइलें चेंज कर लें, आपका इशू वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने इसकी हीटर की फॉर्मिंग करनी है, ये वाली फॉर्मिंग, ये देख रहे हैं, इन डकों की फॉर्मिंग लाजमी है। अगर ये नहीं होगी तो आपकी गाड़ी के अंदर कूलिंग नहीं आएगी, ये आपने लाजमी कराना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी फॉर्मिंग करेंगे और ये ऐसा इसकी ऐसा एसी हो जाएगा, बेहतरीन एसी हो जाएगा। देखें एक ये वाली डक होती है जिसकी फॉर्मिंग की ज़रूरत होती है, सही है। इसके बाद जो है देखें, ये जो दो डके होती हैं इनमें फॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इनमें फॉर्म जो वो लगा हुआ होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रबर टाइप का लगा होता है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जो है एक इसकी ज़रूरत होती है, इस डक की तो ख़त्म ही होगी, बिल्कुल ही तो दिख रही नहीं है इसमें। तो अब इसकी जो है हम सर्विस करेंगे, सर्विस करने के बाद जो है हम इसकी फॉर्मिंग करेंगे। तो अब ये देखें, अब ये इसकी कूलिंग कॉइल है जो इसमें लगी हुई थी, पाकिस्तानी मॉडल के अंदर ही वो येक वाला कॉइल आया है, मोडिफिन्स वाला भी कॉइल आया है, और इसके अंदर जो है ये कॉइल वैसे नरम हुआ हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका कॉइल जो हम चेंज करेंगे, एक तो इसके कंडीशन काफ़ी खस्ता है और हम एक ही दफ़ा काम करना चाह रहे हैं कि आगे जो है इनका लंबा एसी चले। तो अब देखें, ये हमने कंप्रेसर इसमें से निकाला है और हम ये वाला कंप्रेसर लगा रहे हैं, और ये कंप्रेसर जो है सेंडन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये बहुत सी मुख्तलिफ गाड़ियों में आया है, होंडा की ज़्यादातर गाड़ियों में लगा हुआ आया है, जैसे सिटी स्पायर हो गई या सिटी चुआ हो गई और होंडा फिट हो गई पुरानी, जो होंडा शटल पुराने वाले, जो होंडा एयरवे हो गई, ये उन गाड़ियों के अंदर ये कंप्रेसर लगे हुए आते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंप्रेसर, ये आपका ज़्यादातर रिपेयर भी हो जाते हैं और इतनी आसानी से कंप्रेसर ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, सेंडन कंपनी का जो कंप्रेसर होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ये पतली गोली वाला कंप्रेसर कहलाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कंप्रेसर इसमें लग चुका है गाड़ी के अंदर, बहुत बेहतरीन फिटिंग हो गई। ये देखें, ये कंप्रेसर लगाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और जो कि हमने वो पीछे ब्लैक कलर का ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद जाके ये हमारे कंप्रेसर की अलाइनमेंट जो है वो उसकी अपनी जगह पे आई है। जब तक ये नहीं होगा तो कंप्रेसर नहीं लगेगा, ब्रैकेट के बगैर उस पर अलाइनमेंट नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है हम इसके कंडेंसर की जो है हम इसकी सर्विस करेंगे, सर्विस करने के बाद इसको हल्का सा फ्लश करेंगे, फ्लश करने के बाद जो है इसको हम गाड़ी के अंदर लगा देंगे। तो कभी भी आप कंप्रेसर लगाएं, और अगर आपकी कंडेंसर सही हो तो आपने उसको फ्लश करना लाजमी है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल चढ़ा हुआ होता है, ऑयल ज़्यादा होने की वजह से फिर आप कंप्रेसर के अंदर ऑयल डाल देते हैं, फिर वो ज़्यादा ऑयल हो जाता था, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर हीटअप होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने इसमें काम लाजमी करना हो। ये देखें कितना मिट्टी निकल ली है, कितना डस्ट निकल लिया इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अरसे से सर्विस नहीं कराई थी एसी की। ये देखें बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल ली है। तो चलिए अभी आपको हम इसकी फ़िटिंग दिखा दें, हमारी फ़िटिंग हो चुकी है तकरीबन। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्रेसर और लाइनें लग चुकी हैं, कंडेंसर की भी फ़िटिंग हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें बेहतरीन फ़िटिंग हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो अब ये देखें, अब ये हमने इसकी हीटर की फॉर्मिंग करनी है, ये हमारा सर्विस हो गया है हीटर बॉक्स, और ये वाली जो डके हैं, एक ये वाली डक है और एक वो दूसरी वाली डक है, दो डकों के अंदर फॉर्म होना लाजमी है। ये दो फॉर्म गल जाते हैं, बाकी फॉर्म नहीं गलते हैं, सिर्फ ये दो फॉर्म गलते हैं इसके। ठीक है, ये दो फॉर्म इसके गलते हैं, एक ये वाली डक है और दूसरी वाली डक जो है वो दूसरी है। अब भी हमारी फॉर्मिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, फॉर्म अच्छा वाला इस्तेमाल करें ताकि आपका वो जो फॉर्म है 3 से 4 साल चलना चाहिए, क्योंकि डैशबोर्ड बार बार खोलना जो है वो एक फिर आपका डैशबोर्ड जो है ना आवाज़ करना शुरू हो जाता है। तो एक ही दफ़ा वाला काम करें, चीज़ अच्छी इस्तेमाल करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डैशबोर्ड पैक हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त VIP हो गया काम। ये देखें फिक्स हो गई। अब ये इसकी हवा का जो प्रेशर है, हमें जहाँ चाहिए हमें ये वहाँ प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ये देखें हमें फेस पर चाहिए या पाँव में चाहिए या विंडस्क्रीन पर चाहिए, तो वहाँ जहाँ पर हमें चाहिए होगा वहाँ पर आएगा। जब आप फॉर्मिंग कर लेंगे तो इसमें आपने ऑयलिंग और हल्की सी ग्रीसिंग लाजमी करनी है ताकि आपकी ये जो डके हैं वो फ्री हो सकें। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमने ये कॉइल मंगाया है, ये देखें ये ब्रांड न्यू कॉइल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये कॉइल भी इसमें चेंज कर रहे हैं। ये जापानी कॉइल है और बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोफिन्स में हमने इसको कॉइल डाल रहे हैं ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। तो ये देखें बेहतरीन फिटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें पूरी कम्प्लीट फिटिंग हो गई है हमारी इस गाड़ी की, और माशाल्लाह से भी देखें बेहतरीन फिटिंग हो गई माशाल्लाह। थी कंप्रेसर की आपने अलाइनमेंट लाजमी देखनी है और इसमें बेल्ट अच्छी क्वालिटी का डालना है। ठीक है, और बेल्ट जो आपका आएगा इसमें 1080 या 90 बेल्ट आएगा 5 PK में,
और ये देखें हमारा कॉइल और हीटर बॉक्स भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और इसके अंदर हमने जो है एक ये फ़िल्टर ऐड किया है जो कि आपकी कूलिंग कॉइल को गंदा नहीं होने देगा। ये वो फ़िल्टर है जो घर के एसी के अंदर लगा हुआ है, हमने उसको कटिंग करके यहाँ लगा दिया कि ये एयर जो है यहाँ से साफ़ होकर आपके कॉइल तक जाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसके अंदर जो है गैस चार्ज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, माशाल्लाह से गैस भी चार्ज हो गई है और एसी हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये देखें कंप्रेसर हमारा माशाल्लाह से बहुत ही वीआईपी काम कर रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। अब ये देखें ये कंप्रेसर का जो है प्रेशर बता रहा है। अब ये देखिए पहले भी आपने प्रेशर देखा था और अब भी देखें, अब आपका जो है ये 40 से नीचे है, ऊपर नहीं है। अगर ये 40 से ऊपर होता तो कंप्रेसर कमज़ोर होता, ठीक है। अगर इसका कंप्रेसर हल्का सा वीक होता तो इसका जो ये कांटा है मीटर का ये ऊपर नीचे हो रहा होता, क्योंकि इसका अभी 100% है तो इसलिए एक जगह रुका हुआ है। स्टिल ये नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 40 से ऊपर नहीं जाएगा। अब हाँ टेम्परेचर के अंदर जाएगा, अगर फुल गर्मी के अंदर 45 डिग्री से भी ऊपर गर्मी होगी तो दोपहर के अंदर ये जाएगा 50 तक, ठीक है। और ये देखें बहुत बेहतरीन एसी काम कर रहा है माशाल्लाह से। थ्रो इसकी ऐसी हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी होती है और उसका एसी होता है सेम टू सेम वही अभी एसी काम कर रहा है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त एसी काम कर रहा है इसका। अभी हम इसके लिए जो है ट्राई पे भी जाएंगे और ट्राई में आपको बताएंगे कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है। और ये देखें इस टाइम पे जो है खड़ी गाड़ी में भी ये टेम्परेचर आ रहा है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है माशाल्लाह से। इसके चारों शीशे गिले हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखी है तो उसके बाद जाके ये शीशे गिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एसी ऑन करते ही शीशे गिले हो जाते तो लोग हमें आके कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमने तकरीबन 20-25 मिनट आधा घंटा इसको स्टार्ट रखा है गाड़ी को, ठीक है। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्राइव पे निकले हैं और एसी इसका ऐसा काम कर रहा है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। नई गाड़ियाँ इसके आगे फेल होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। जो हमने कंप्रेसर लगाया है ये सिटी गाड़ी के अंदर आता है ये कंप्रेसर। ये देखें माशाल्लाह से ये टेम्परेचर है इसका, ठीक है माशाल्लाह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। अल्लाह हाफिज़।